हेलो, गुड मॉर्निंग, शुभ प्रभात। कैसे हैं आप सब लोग? अच्छे से? मैं भी अच्छे से हूँ। और कैसा रहा? आप लोगों ने मेरे वीडियो देखे जो मैंने डाले? नहीं डाल देखे? अगर देख लिए हैं तो सब्सक्राइब तो कर ही दिया होगा ना। चलिए आगे, आज क्या बताते हैं आपको कि मैं आप लोगों के लिए आज क्या लेकर के आई हूँ। तो आप लोग को दिख तो रहा ही होगा थोड़ा थोड़ा। ये देखिए, हरी मिर्च, वो भी इतनी बड़ी बड़ी। दोस्तों, इतनी बड़ी बड़ी दोस्तों, देखा आप लोगों ने मैं कहाँ से ढूंढ के लाई हूँ आप लोगों के लिए हरी मिर्च। मैंने सोचा आज इसकी रेसिपी आपको दिखाती हूँ, इसके पकौड़े गर्मा गर्म आपके लिए बना के लाऊंगी, दिखाऊंगी ना, तो आप सबको आज तो मजा ही आ जाएगा ना। कि चाय के संग जब ये गर्मा गर्म पकौड़े आप लोग खाएंगे ना, तो कहेंगे उफ क्या चीज बना दिया आपने, इतना टेस्टी बना दिया है ना। लेकिन पहले टेस्टी तब कहेंगे जब आप बनाना सीखेंगे और देखेंगे कि कैसा है ना। ठीक है, तो इसको ही आज मैं बनाना आप लोग सिखाऊंगी कि ये आज मैं हरे वाले जो मिर्चे हैं, जो कड़वे नहीं होते, तीखे नहीं होते हैं, इनके पकौड़े कैसे बनाए, उसकी तैयारी क्या क्या की है वो दिखाते जाते हैं। ठीक है, ये आपको मिर्चे तो दिखा दिए बड़े बड़े सुंदर सुंदर। साथ में इसके लिए मैंने क्या किया, ये आलू, इसको मैंने मैश कर लिया है। ठीक है, ये उबले हुए आलू दिख रहे हैं आप लोगों को, आपके सामने छीलते हटाते तो ज्यादा समय लगता है, इसलिए मैंने इनको उबाल करके थोड़ा सा मैश कर लिया है ना। साथ में नमक, ये मिर्ची, ये हल्दी पाउडर, ये अमचूर पाउडर, थोड़ा सा बेसन। अब करते जाएंगे, आपको बताते जाएंगे, जो चीज कम पड़ेगी ज्यादा पड़ेगी सब आपको बताते जाएंगे। सबसे पहले काम ये करना है कि ये जो हमने मिर्ची ली है ना, इनको बीच से, आप चाहो तो इसको ऊपर का हटा भी सकते हैं, और नहीं हटाने का मन है, थोड़ा स्टाइल में खाने का मन है, तो इसको लगे रहने देते हैं। और बीच से इसका मिर्ची का पेट जो है हमें ऐसे करके बस चीरा लगा देना है। ठीक है, बस छोटा सा प्रोसेस है, सारे मिर्चे हैं इनको हम चीरा लगाते जाते हैं। ये देखिए, ठीक है, ये देखिए मिर्चा जो मैंने बीच से सब में चीरा लगा दिया और इसको साइड कर देते हैं। अब ये जो मैंने भरता लिया है इसमें मिलाते हैं मसाले। मसाले तो आप जानते हैं कि मैं कम ही इस्तेमाल करने की कोशिश करती हूँ, अगर आवश्यकता नहीं है तो नहीं डालती हूँ। ये देखिए नमक, थोड़ा सा स्वाद के अनुसार, ठीक है, ये थोड़ा सा दरदरी मिर्ची कुटी हुई, ठीक है, ये अमचूर पाउडर थोड़ा सा स्वाद के लिए। ये हो गया आपका आलू का जो पेस्ट है जो आप इसके अंदर भरेंगे। अब देखिए इसमें अगर हम धनिया डाल दें, जीरा डाल दें, या कुछ भी डाल दें, तो जो ये मिर्चा है ना इसका स्वाद मर जाएगा। जब इसका पकौड़ा बने तो आपको स्वाद इसी का आना चाहिए। बहुत से मसाले डालने से स्वाद हो जाएगा किसी रेसिपी में, ऐसा मैं नहीं समझती है ना। जितने कम मसालों से असली चीज का मजा है वही अच्छा है। ठीक है, ये देखिए हमारा ये भी पेस्ट तैयार हो गया। अब इसके बाद का क्या प्रोसेस है, बेसन लेते हैं। ये देखिए बेसन लिया ना मैंने, और बेसन में भी थोड़ा सा नमक, थोड़ा सा हल्दी पाउडर, और थोड़ा सा ही क्योंकि आलू के भरते में भी डाला है, हल्का सा, सिर्फ इसलिए देखने में खूबसूरत लगे। इसका भी एक घोल तैयार कर लेते हैं, यानी कि बैटर बना लेते हैं, इसको भी आराम से घोलते हैं इसको भी। बस इसमें यही ध्यान रखना होता है कि आपकी गुलथी ना पड़े बस बेसन में, और कोई बड़ी बात नहीं है, सब लोग कर लेंगे आसानी से, गुलती ना पड़े बस, है ना। अभी देखिए गाढ़ा लग रहा है ना बैटर आपको, तो थोड़ा सा पानी और डाल देंगे। ये देखिए, अब बैटर जो बन गया है उसमें देखिए गुलती तो नहीं दिख रही है कहीं भी, नहीं दिख रही ना दोस्तों, ये देखिए। लेकिन अभी क्योंकि हमें इसको इसमें डिप करना है तो थोड़ा सा और हमें चाहिए, इसमें थोड़ा सा पानी मिलाया और अब बस ये परफेक्ट हमारा तैयार हो गया बैटर। एक काम किया मैंने, कढ़ाई जो है गर्म करने के लिए गैस पे रख दी है ना, जिसमें अधिक समय ना लगे। वीडियो बहुत लंबा होता है तो थोड़ा सा दिक्कत होती लोगों को जो देखते हैं, समय कम है आजकल के जमाने में सबके पास, तो इसीलिए मैं ऐसा करती हूँ फटाफट काम आपका हो जाए। ये देखिए आपका बैटर एकदम बन के रेडी हो गया। ठीक है, चलिए गैस ऑन कर, गैस पे मैंने कढ़ाई तो रख दी ऑन करके, आपको बाकी का प्रोसेस दिखाते हैं।
ऑयल डाल देते हैं कढ़ाई, क्योंकि मेरी गरम हो गई है अच्छे से, इसलिए देखिए ऑयल भी जल्दी गरम हो जाएगा, है ना। ये देखिए अब क्योंकि पकौड़े बनाने हैं तो थोड़ा ऑयल तो लगेगा ना, आप इसका ऑयल बाद में यूज कर सकते हैं, ठीक है। सब्जी बना लीजिएगा फटाफट, कोई दिक्कत नहीं होगी। और ये जो मैंने लिया है ना, इसको हाथ से ऐसे पूरा भर दें। ये देखिए आलू को अंदर तक का दबा दबा करके मैंने भर दिया, ठीक है। ऐसे दूसरे में भी करेंगे, सबको ऐसे ही करेंगे, थोड़ा थोड़ा सब इसमें भरते जाएंगे। इसके मिर्ची में ना एक बात बताएं, देखिए बीजा नहीं था ना, वरना मैं इसके बीजे निकाल देती और इसमें ही मिला देती आलू में, लेकिन क्योंकि इसमें था ही नहीं, बहुत ही प्यारा मिर्चा मिल गया बाजार में कल, तो सोचा आप लोग ले लेते चले। बस यही सोच करके आज सुबह सुबह मैंने सोचा इसी को चाय के संग नाश्ते में इस्तेमाल किया जाए। ये देखिए देख ही रहे होंगे आप लोग ना, आप भी खुश हो जाएंगे आज इसको देख करके, और फिर हमको कमेंट में बताइएगा कि कैसा बनाया, जिसने जो मेहनत की है स्वाद बनाया है कैसा लगा आप लोग को, है ना। ये देखिए अच्छे से, देखिए मैं पूरा अच्छे से भर रही हूँ ना दबा दबा कर, ताकि लास्ट कोने तक का इसका स्वाद आया आपको। ये देखिए हमारा सारा मिर्ची हमने जो बनाने पकौड़े वो भर लिए, और साथ में ये बैटर। अब बैटर में आप लोग कहें तो एक चीज और डाल दें, उसको कहते हैं हींग, क्योंकि बेसन की चीज बना रहे हैं तो हींग तो आवश्यक है ना, डालना आवश्यक है, तो थोड़ा सा डाल दिया। ये आपकी उस पे है, चाहे तो आप स्किप भी कर सकते हैं, हमने डाल दिया, ठीक है। अब बस इसको भी एक बार हल्का सा फेंट दिया, और तो देखिए कढ़ाई हो गई कि नहीं ये भी चेक कर लेते हैं। ऊपर आ गया, इसका मतलब हमारी कढ़ाई एकदम तैयार। अब बस इसको ऐसे ऐसे करके अपने हाथों से लपेटा, और बहुत सावधानी के साथ इसमें ढक देना, ठीक है। ऐसे दूसरे वाले को भी करेंगे, और इसको भी सेम ऐसे रखेंगे, ठीक है। दो ही रखते हैं पहले, दो पक जाएंगे तब दूसरे रखेंगे। अब देखिए आपने सोचेंगे मैंने इतने सारे औजार ये सब क्यों ले रखा है ऐसे कमी, ये मैंने सिर्फ इसलिए देखिए कि आपको दिखाने के लिए कि देखिए अगर ये कलछुल से नहीं पलटता है आसानी से, तो आप इसके चिमटे की सहायता से ऐसे पलट लीजिएगा, ठीक है। सिर्फ इसलिए दिखाया आपको, और अगर इससे हो जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं। ये सब चीज़ें मैं आप लोगों से, जो नए लोग मेरा आप जाते हैं मैं जाता हूँ उन लोगों को सिखा रही हूँ जिनको कुछ भी नहीं आता कैसे अपना करें खाने पीने का इंतजाम नाश्ते का इंतजाम, बस उनके लिए तो उनको ये सुविधा भी बता देती हूँ कि बेटा ऐसे नहीं होगा तो आप ऐसे भी कर सकते हैं ना, इसलिए तो आप इससे पढ़ते हैं या इससे पढ़ते, ठीक है। जो आप लोग ये देखिए दोस्तों एकदम मेरा बन के एकदम अच्छा सा तैयार हो गया है पकौड़ा, मिर्चे का पकौड़ा, ठीक है। इसको निकाल देते हैं और बाकी वाले इसमें आप डाल देंगे जब आपको खाना हो, है ना। अगर तुरंत खाना है तुरंत बना दीजिए, देर में खाना है तो देर, ठीक है। ये देखिए दोस्तों गर्मा गर्म चाय तैयार है ना, ये देखिए हॉल भी कितनी बढ़िया से देखिए, और इसके साथ चाय का जो मजा आएगा ना, चाय के साथ पकौड़े बहुत ही मजा आज आने वाला है आप लोगों को। ये देखिए गर्मा गर्म चाय अदरक वाली चाय गरम दोस्तों आप सबके लिए तैयार है आज मेरी तरफ से, आज की सुबह की चाय ये देखिए, और साथ में गर्मा गर्म पकौड़े। आप सब हमें कमेंट करके बताइएगा कि आज का ये ब्रेकफास्ट आप सबको कैसा लगा, ये रेसिपी कैसी लगी, ठीक है। चाय पकौड़े और ये चटनी, हाँ, आया ना मज़ा। चलिए आप लोग भी बनाइएगा और मुझे बताइएगा कैसा बना, और मेरा कैसा बना ये भी बताइएगा, साथ में मेरे चैनल को
सब्सक्राइब करना नहीं भूलेगा। मेरे चैनल का नाम है कविता देसी किचन। थैंक यू दोस्तों, अपना प्यार बनाए रखिएगा। बस धन्यवाद।